जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। थैंक यू सो मच बच्चों के लिए, टीचर्स स्टूडेंट्स जो भी हैं, हम जो इंडिविजुअल्स हैं, हर एक की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं। इस ट्रिब्यूट के लिए भी बहुत मुश्किलें बीच में आई, चैलेंजेस आए, बट अगर आपके इंटेंशंस क्लियर हो, अगर आप में ऑनेस्टी हो, आपके जो टास्क है उसके प्रति आप सिंसेयर हो, तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर हो, कोई भी चीज़ हो, इस रेड कारपेट की तरह रास्ता अपने आप बन जाएगा, बट इंटेंशन हैज टू बी 500%। सो द फुल कायनात, पूरी कायनात आपकी सपोर्ट करेगी इसको करने के लिए, इतना मेरे आप कैन अश्योर यू। तो मुश्किलों से डरना नहीं है, कोशिश करनी है, और इंटेंशंस एफर्ट पूरा होना चाहिए, चाहे वो टीचर है, चाहे बच्चा है, चाहे 12th स्टैंडर्ड में है, किसी भी क्लास में है, मेहनत करो कि उसका परिणाम आपको जरूर ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। द फैब्रिक ऑफ आवर इंडियन कल्चर इज वोवन विद कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इंडिया इज सेड टू बी अ सिंथेसिस ऑफ डाइवर्स सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स, एंड द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर गोइंग टू डिपिक्ट दिस कल्चर थ्रू देयर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेशंस। So students, give a round of applause to your friends. Yeah.
चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा for the Kaveh Mahajan. Kaveh, rock the floor and all the best. This is for you, Inayat, my dear sister. Wish you a happy birthday. Ourselves by listening to you, sir, Lieutenant Colonel Vijay Balram ji.
You are such a great personality present within us, with us today. Please, sir, we all would be very honorable and honored if you'll share your valuable thoughts with us. Please, sir. Honorable Chairman, sir, may I have your permission to start, please? Thank you so much. Good afternoon, children. How are you? So sorry, I can't hear you. How are you? Hey, this is PWS. The entire world should know there's something happening here. You agree with me or not? Great. Wow. How do I start? So much of Josh, so much of spirit, so much of positiveness. I think there's a parallel army here. You know, you guys are, you know, you're a parallel army. Can anyone come here and challenge you? I don't think so. You guys are so good, so positive, and so much of vibrance here, so much of energy here. Yes or no? Yes! Great. Actually, I fall short of words. क्या बोलना है क्या है आप लोगों का इतना पॉजिटिवनेस देख के ये एटमॉस्फेयर देख के यू नो आई एम करंटली ब्लैंक बट स्टिल आई बीन कॉल्ड एंड आई नीड टू से सम फ्यू वर्ड्स आई ट्राई माय बेस्ट टू कन्वे माय थॉट्स टू स्टार्ट विद आई टॉक समथिंग अबाउट द एयरक्राफ्ट बच्चों दिस एयरक्राफ्ट शुड एवरी डे टेल अस यू आर सच ए ग्रेट नेशन दैट नोबडी कैन टच अस Few people from across the border, they try to come here, and they try to harm us. क्या उसने करने दिया हमने? Yes, we neutralized everyone. So this aircraft should tell us, हर दिन जब हम इसको देखते हैं, ये हमको याद दिलाएगा कि हमारा इंडिया को, हमारा कंट्री को कोई टच करने नहीं देगा, कोई टच कर ही नहीं सकता. Agree? Not agree? Very good. So such a noble thought. From the management of the school to place an aircraft which will inspire us every day, and teaches us that we are born in such a great nation that we are way ahead and nobody can touch us. And the aircraft will also inspire us to show to the world that every person in our country, it doesn't think twice. He doesn't think twice for safeguarding our nation and ensuring that our integrity and our nation remain. आपको समझ में आ रहा है? Agree? Okay. I'll not do too much of a lecture, but still I'll try to convey something more about this aircraft. अगर आप aircraft देखेंगे Mi-8, it is a multi-utility helicopter. This can be used to transport people. Casualty evacuation. This can be used as gunship. It can fire from air. It can be used in multi-role. तो ये हमें ये सिखलाता है. This should inspire that we also should be multi-role. We should not be specialist in any one thing, but we should be able to take on the challenges of life in whatever form they come. So this aircraft, such a noble thought from the school management. This aircraft should inspire us to take on the world. Any challenges yet come out successfully. So much and so far for the aircraft. I humbly thank you as a citizen, as a parent, for such a noble thought, sir, that an aircraft is there which will continuously inspire us in many ways. This teaches the patriotism, it teaches inspiration, it teaches self-confidence, and it continuously inspires not only the students, but the teachers and anybody who passes